दशहरे में हो जाएंगे मालामाल जो थे कंगाल। 12 अक्टूबर यानी विजयदशमी का दिन, 12 अक्टूबर यानी कि शुभ दिन। विजय का मतलब है हर काम में विजय मिलना। मेष राशि वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 12 अक्टूबर वाले दिन। विजयदशमी वाले दिन आपका भाग्य जो है वो प्रबल मजबूत है। मेष राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी दिखानी होगी, उसके अलावा इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। खान पान को खूब बढ़िया रखें, दशहरे का दिन है, मार्केट जाएंगे, घूमेंगे, मेला देखेंगे, तो थोड़ी चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें ना खाइएगा अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। आपकी चंद्र राशि से शनि 11वें घर में बैठे हैं, तो आपको सूझबूझ कर हर कदम रखना होगा। आपकी सूझबूझ विजयदशमी वाले दिन हर काम में सफलता के प्रतिशत को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, यानी कि आपको अच्छी प्लानिंग से आगे बढ़ना है। परिवार में हो या यारी दोस्ती में हो तो तोल मोल कर बोलें। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जिसके साथ भी घूम रहे हैं, तो थोड़ा तोल मोल कर बोलें। कई बार आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाएगा। यानी शब्दों का जो चयन है बहुत सुंदर होना चाहिए। आपकी बातों से किसी का दिल दुख सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि शब्दों को तोल मोल कर बोलें। व्यवसाय जो लोग करते हैं, बिजनेस जो लोग करते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। घर परिवार में मान सम्मान यश कीर्ति की वृद्धि होगी। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार होगी, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, बच्चे श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंदिर ले जाइएगा अपने घर के बच्चों को, उनसे बोलिएगा कि मंदिर में राम जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें सब लोग एक साथ, फिर देखिए सुख समृद्धि आ जाएगी। बच्चों के ऊपर से जो, जैसे बच्चे पढ़ाई में जी चुराते हैं, थोड़ा बच्चे नटखट होते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन गुढ़ेंगे ज़्यादा, यानी घंटों घंटों नहीं पढ़ेंगे, एक घंटे में ही पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे और रोज़ पढ़ेंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो सकती है इस उपाय को करके। इस समय में आज के दिन आपके जो टीचर हैं, आपके जो पिताजी हैं, पिता सबसे बड़े टीचर हैं, माँ सबसे बड़ी टीचर है, आपके जो स्कूल टीचर हैं या जो गुरु हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। आप किसी भी उम्र के हों, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर वो नहीं रहते हैं तो कम से कम उनका टेलीफोन करके उनसे बातचीत कर लीजिएगा। परिवार में खूब समय देंगे, परिवार के लिए खूब बढ़िया आप काम करेंगे। आप जो है ना, अपने लिए और परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, जूता चप्पल ले सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। यानी खुद भी खुश होंगे, अपने परिवार वालों को भी खुश कर देंगे कुछ शॉपिंग करके। कुछ गाड़ी वाड़ी लेने का भी मन बन सकता है, बुकिंग करा सकते हैं। परिवार वालों की जो ज़रूरतें हैं उसको ज़रूर पूरा करेंगे आप। सेहत को लेकर आपको थोड़े से कदम उठाने होंगे। मन में गरीबों के प्रति दया होगी, यानी आप गरीबों का भी भला करेंगे। सेहत को लेकर मैं बार बार आपको थोड़ी चेतावनी दे रहा हूँ। आप अपने लिए बढ़िया वक्त बिताने वाले हैं, नई आशाओं के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। दशहरे से, यानी दशहरा 12 तारीख के, उसके बाद नेक्स्ट दशहरे तक, अगले एक साल तक आपको नई दिशाएं मिलेंगी। माता पिता से आपकी जो लड़ाई झगड़े थे या वो सब कुछ शांत हो जाएंगे। माता पिता की चिंता कम हो जाएगी क्योंकि उनके बच्चे सफल हो जाएंगे। माता पिता की सेहत में भी जो कुछ ख़राब है तो सही होना शुरू हो जाएगा। कारोबार में लाभ होगा, आपकी उम्मीदें जो थी वो पूरी होंगी। आप अब नई नई प्लानिंग्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। छोटी छोटी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, अब बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बनाकर बड़ी सफलता के पीछे भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दशहरे से आपका वक्त बदल रहा है। अगर पिताजी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी निदान यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी कोई समस्या है उसका भी आपको समाधान मिल जाएगा। घर परिवार में किसी से बहसबाजी ना करें, यारी दोस्ती में, आस पड़ोस में बहसबाजी ना करें। जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनको कोई कमजोरी है, उनकी टांगों में या नसों में दर्द हो सकता है। जब तक काम पूरा ना हो तब तक किसी को बताना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। छोटी मोटी परेशानियों आने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें, अगर कोई परेशानी आती है तो खुद अपनी इलाज ना करें। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें, यात्राएं लाभकारी रहेंगी। आपका घर आगमन हो सकता है, यानी अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो दशहरे की छुट्टी में घर आ सकते हैं, ये दशहरा बेहतर है।
धार्मिक कार्यों में शुभता बढ़ेगी, यानी अब आप जो धार्मिक कार्य करेंगे ना वो और अच्छे से करेंगे, ईश्वर और प्रसन्न होंगे। सीनियर के सहयोग से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, आपके सीनियर आपकी सपोर्ट करने वाले हैं। दशहरा आपके लिए फायदेमंद है, दशहरे वाले दिन से किस्मत बदलने वाली है। मेष राशि वालों के लिए दशहरे वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना जरूर चाहिए। आप अपनी हर बला को, हर परेशानी को, हर दुविधा को टाल सकते हैं अगर आप सुंदरकांड का पाठ दशहरे वाले दिन करते हैं सुबह और शाम। तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, जीवन साथी से आपके रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे, उसके साथ बढ़िया वक्त बिताएंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके करीब जाने की जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी। आपके दिल भी करीब होंगे, आप भी करीब होंगे एक दूसरे के, चेहरे पर प्यार वाली मुस्कान होगी। आप किसी को चाहते हैं तो आप उसे इंप्रेस कर सकते हैं आज के दिन। कुछ ऐसा शब्द बोलिए, कुछ ऐसा गिफ्ट दे दीजिए या कोई ऐसी बात कर दीजिए कि सामने वाला तुरंत इंप्रेस हो जाएगा। आज आपके जो शब्द हैं ना वो पावरफुल होंगे, उसमें भगवान का आशीर्वाद है। प्यार सच्चा है तो मिल जाएगा। मनपसंद खाना पीना भी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ओवर ईटिंग मत करिएगा। कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हैं, शाम को कहीं मेला वेला देखने जा सकते हैं अपने चाहने वाले के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रियतम के साथ, परिवार के साथ। दशहरा दिल से दिल मिलाने आया है। इस दशहरे में आप पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो या यार दोस्त हो, दोनों के बीच में जो रावण बैठ गया था वो खत्म हो जाएगा। रावण गया, जैसे राम और सीता का मिलन हुआ वैसे आपका भी मिलन हो जाएगा। उपाय मैंने बता दिया, मेष राशि वालों को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए सुबह और शाम, और गुप्त दान जितना कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं वो करिए, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आप सबको दशहरे की शुभकामनाएँ देता हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को सही कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यकीन मानिए, राम जी को भी रावण को मारने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, आपको भी अपने ग्रहों को सुधारने के लिए उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको मजबूत करना पड़ेगा। जो बुरा ग्रह है उसको मारना पड़ेगा, तभी आपको विजय मिलेगी। तो राम जी भी बैठे बैठाए लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे और उन्हें भी एक सेना बनानी पड़ी थी, वैसे ही आपको भी उपाय करने पड़ेंगे और अपने ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। यकीन मानिए, राम जी की जैसे विजय हुई थी आपकी भी विजय होगी, और दशहरे वाले दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट अगर बुक कराते हैं तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी हमारी टीम की तरफ से दिया जाएगा। राधे राधे।